हमारे देश के नेताओं को इस बात का कोई ख्याल नहीं है कि वो मास्क लगाए हैं कि नहीं, लेकिन यूपी के बरेली में मास्क न लगाने को लेकर एक बैंक गार्ड ने शुक्रवार को एक ग्राहक को गोली मारकर घायल कर दिया, जिससे बैंक में मौजूद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। गोली लगने से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामले में आरोपित गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो अब थोड़ी बहुत जान पहचान के लिए, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। हुआ यूं कि बरेली की बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेशन शाखा में बरेली जंक्शन के पास नॉर्थ रेलवे कॉलोनी के रहने वाले राजेश कुमार राठौर टेलीकॉम डिपार्टमेंट में हेल्पर हैं और शुक्रवार सुबह को सिविल लाइन स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय में बैंक के कुछ काम से गए थे, पर बगैर मास्क कार्यालय के अंदर घुस गए, जिस पर गार्ड से उनकी थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई। इसके बाद वह घर लौट आए और फिर बैंक के अंदर वह बिना मास्क के जा रहे थे, जिस पर सुभाष नगर के रहने वाले गार्ड केशव कुमार ने उनका विरोध किया, जिसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी और नोकझोंक हुई। गार्ड ने अपनी दो नली बंदूक से राजेश को गोली मार दी, गोली उसके बाएं पैर में लगी। मामले की सूचना पर सीओ इंस्पेक्टर और कोतवाली पुलिस टीम के साथ पहुंच गए। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गार्ड केशव कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गार्ड ने बताया कि दो नली बंदूक लोड थी, इसी वजह से चल गई। आरोपी ने बताया कि उसने जानबूझकर गोली नहीं मारी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे बरेली के एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राइवेट गार्ड और रेलवे कर्मचारी में मास्क न लगाने को लेकर विवाद हुआ था, उसी दौरान गोली चली और उन्होंने बताया कि घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोली मारने के आरोपी गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बाकी यह देखने वाली बात होगी कि गार्ड के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।